ओम श्री साई नाथाय नमः। आपण मानको आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार रे पुनी थरे स्वागत। आशा बाबांको कृपारु आपण माने निश्चित भलो एवं सुस्थ थिबे। हां आज आपण मानकर स्नेह भलो पाइबा एवं सर्वोपरि साईनाथंकर आशीर्वादरु आपण मानकर एही प्रिय साई किशुन साई परिवार आगो को बढी परुचि। सेति पई आपण समस्तको हृदयरु अनेक अनेक धन्यवाद। जेपरि आपण माने जानंती आज बुधवार आ श्री साई दिव्य अनुभूति सुनिबार समय। हाँ आपण माने मध्य एही सब अनुभूति को ध्यान दे सुनंतु एवं बाबा को आहुरी निजर पाखरे मध्य अनुभव करंतु। हाँ एठारे कहि रखे आपण माने मध्य निजर अनुभूतिर लेखा किंबा वीडियो आमको पठाई परिवे आमर व्हाट्सएप नंबर 6370198922 माध्यम रे। सुतरां विभिन्न साई भक्तंकर भिन्न भिन्न अनुभूति को साउटी आनी आमे प्रस्तुत करूछु एही साई दिव्य अनुभूतिर वीडियो। सतरे प्रति मुहूर्त रे बाबा तांकर भक्त मानकर जेपरी उपकार करुछन्ति ना तार कोनोसी तुलना नाही। 1918 मसिया रे से शरीर छाडी चली जायथिले सत, किंतु ताहा परठरु से किपरि तांकर भक्त मानकर कल्याण करुछन्ति ताहा सुनिले मने हुए एहा हेउछे आजि जुगर सबुठारु विस्मय। ताहाले आसंतु सुनिबा आजिर साई भक्तंकर अनुभूति। ओम साईराम। आजिर अनुभूतिटि हेला साई भक्त श्रीमती मणि साहूकार नामनी जणे महिलांकर। से लेखिछन्ते मु आगुरु बाबांको विषयरे सेपरि किछे जाने नथिलि, किंतु थरे तांको संस्पर्शरे आसिबा परे तांको जीवनर गतिपथ बदलि गला। परवर्ती समयरे तांकर जेते सबु अनुभूति अछि ताकु नै द सेंट अफ सिरडी नामरे एक पुस्तक से रचना करिछन्ते। श्रीमती साहूकारंकर एही अनुभूतिटिकु सुनन्तु जहाँ से निजे कहिछन्ते। 1950 मसिया रे गळारे एक विचित्र प्रकारर रोगरे से पीड़ित हेले। एही रोग जोगु श्रीमती साहूकार जिए कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीतर छात्री थिले मात्र 10 मिनिट पाए मध्य गीत गाइबाकु सक्षम हेले नाही। बहु चिकित्सकर परामर्श करा गला किंतु सब किछि वृथा हेला। प्राय 6 मास परे से सिरडी आसिले एवं श्री साई बाबांकर समाधि सम्मुखरे व्याकुल हृदय ओ अश्रुपूर्ण नयनरे छेडा होई आकुल प्रार्थना कले। तापरे समाधि मंदिररु बाहरी तांकर जने बंधुकु भेटिबाकु चली गले। बंधुक सहित सामान्य वार्तालाप करिबा परे प्राय संध्या 7:30 बेले से तांको रूम को फेरी आसिले। तांको रूम गुरुस्थान पछरे थिला। विश्राम करिबा उद्देश्य रे बाम कांधपटु जेतबेले से साड़ी खोलिबाकु गले चरचर ध्वनि सुना गला एवं एही समय रे तांको साड़ीरु धळा कागज रे गुडा होइतिबा प्राय 2 इंच लंबर एक छोटिया पुड़िया खसी तळे पड़िगला। आश्चर्य चकित होई से चारियाड़ को देखिले किंतु सेठी केही नथिले। कागज पुड़ियाटी को उठाई से खोलिले। प्राय 6-7 छोट छोट गुड़ी आकार रे बटिका थिला जहाँ साधारणतः होमियोपाथी औषध आकार रे दिया जाय थाए। हाँ एही पुड़ियार अभिप्राय संपर्क रे तांकर किछिटा आभास हला। तबे मनर संदेह दूर करिबा पई से बंधुक निकट को जाय तांकर परामर्श नेबा को चाहिले। एणु पुणी साड़ी पिंधिले ओ बंधुक घर को जाय पहुँचिले। बंधु तांकु देखि कहिले तुम्हें कौन बुझी पारुना एहा कौन बोली भावुछ। मो मतरे तो एहा निश्चय बाबांकर प्रसाद। श्रीमती साहूकार कहिले हाँ से भी सेया मने करुछंती। ताकु खाई देबे कहि सबुतक बटिका एका संगरे पाटीरे पकाई देले। आउ देखंतु बाबांकर कि चमत्कार। किछि दिन परे जेतबेले से सिरडीरु घर को फेरिले से अनुभव कले जे एबे से बिना बाधारे गीत गाई पारुछंती एवं तांकर गळा अवरोध संपूर्ण दूर होइ जायछि। तांको हृदय बाबांक प्रति कृतज्ञतारे परिपूर्ण होइगला। बाबांकर आहुरी अनेक चमत्कार लीला से चक्षुष करिछंती एवं से सबु तांकर उक्त पुस्तक रे वर्णना करिछंती। जय श्री साई। कि सुंदर अनुभूति। सतरे बाबा कहा को कि परिभावे सहाय्य करंती ताहा केवल तांकु ही जणा। प्रकृत रे देखिबा को गले आमे तो सबु निमित्त मात्र। जहां सबु आम जीवन रे घटुछि सबु सही बाबांकर आशीर्वाद। नहले भक्त श्रीमती साहूकार एते सबु अनुभूति पाई परि नथन्ते कि बाबांकर चमत्कार ताकु अनुभव मध्य करि परि नथन्ते। प्रकृत रे आमर प्रिय साई एही परे काहाकु केतबळे केउ रूपरे आसे दर्शन दे तांकर मनोकामना पूर्ण करंती ताहा जानिबा बड़ कठिन व्यापार। सेथि पई त कुहा जाय बाबांकु सदा सर्वदा स्मरण करुथांतु एवं मनरे दुईटी जिनिष रखिथांतु श्रद्धा ओ सबुरी बा धैर्य। बाबा निश्चित भावरे आपणक सह अछन्ति एवं जहाँ आम पई भलो ताहा ही करंती। ओम साईराम। आशा आपण मानको आजिर एही अनुभूति निश्चित भलो लागिथिबो।
କାରଣ କେବଳ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ଜାଣିପାରେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏହିପରି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ନିଜର ଅନୁଭୂତିର ଲେଖା କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 6370198922ରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏହି ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥାୟ ନମଃ।